पे जो है पीजी रंग सर्कल के जो जेपीएम है तनद आया हमारे साथ में है। लास्ट टाइम एपीएल 24 जो है वियो का जो मिडिल स्कूल है उसका कंडीशंस के बारे में हमने रिपोर्टिंग किया था, तो चलिए आज हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो है हमारे रिपोर्टिंग के बाद जो है कौन कौन सा चेंजेस वियो मिडिल स्कूल में किया है। नया जी वेलकम टू एपीएल 24, और आपने जो है हमारे रिपोर्टिंग को देखा है उसके बाद में आपने क्या इनिशिएटिव लिया एक जज के होने के नाते? थैंक यू एपीएन 24, आपका माध्यम से ये अभी तक का जो स्कूल रिपोर्ट है 5 साल से यू मिडिल स्कूल का डिफांग हो चुका था। बिल्डिंग क्लास टीचर क्वार्टर हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल पूरा डिफांग नहीं था, फेंसिंग नहीं, फर्नीचर नहीं था, इनरोलमेंट कम हो रहा था। उसको जब ग्राउंड में जाके यहाँ का मीडिया जो ये 24 वाला स्कूल को जाके जो रिपोर्ट किया तो हम लोग सच में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के वहाँ ग्राउंड में गया। उसके बाद हम लोग का वहाँ का लोगों से स्कूल मैनेजिंग कमेटी को गठन करने के साथ साथ हम लोग मीटिंग किया और दौरान शुरू करा दिया कि उसको कैसे करके रिवाइव किया जाए। तो अभी तक हम लोगों ने उसको गवर्नमेंट से कुछ फंड नहीं मिला, हम लोग अपना से डोनेशन केस करके पंचायत की ग्रुप से डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल से इंटेलेक्चुअल फोरम का मेंबर से वहाँ का एलुमनी मेंबर से जितना एचओडी से जितना वेल विशर से डोनेशन के रूप में हम लोग एक जॉइंट अकाउंट खोलते डोनेशन करके अभी स्कूल का कंडीशन हमारा न्यू स्कूल जो अभी स्कूल अच्छा हो गया, चलने शुरू हो गया, अभी क्लासेस चल रहा है, एडमिशन हो रहा है, बेंच टेक सप्लाई दे दिया, मेंटेनेंस रिनोवेशन पार्क को कम्प्लीट चलने लायक तक हम लोग ने बना दिया। अभी रह गया क्लासेस और टीचर को तक पूरा कंप्लीट है, अभी आराम से वहाँ बैठ के हम लोग स्कूल चला सकता है, कंपाउंड सही हो गया। अभी रह गया जो डोनेशन जितना आया उसका अभी एग्जैक्ट अमाउंट टोटल हम बता नहीं पाएगा, उसको देख के बताना पड़ेगा। अभी भी लोग कंट्रीब्यूशन दे रहा है और मेंटेनेंस वर्क अभी भी चल रहा है, वाटर कनेक्शन करा दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन करा दिया, बेंच डेस्क पेंटिंग वेंटिंग करके ब्लैक बोर्ड वगैरह लेके वहाँ क्लासेस शुरू हो गया। अभी रह गया गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल, उसमें बहुत बड़ा पैसा लगेगा, डोनेशन से शायद नहीं हो पाएगा अभी, तो उसको भी कोशिश करेगा कहाँ तक अभी चलते रह रहा है ऑन द वे में। उसका बाद फेंसिंग से बड़ा कंपाउंड है स्कूल का, उस इतना बड़ा कंपाउंड को फेंसिंग के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, उसमें डोनेशन से नहीं हो पाएगा। और आपको आपका माध्यम से ये एपीएन 24 का माध्यम से आप लोग उसको फिर आगे लेके जाइए, हमारा ये आवाज वहाँ का एपीएन 24 जब यहाँ पे पहुंचा है तो यहाँ पे देखा है जो टीचर्स क्वार्टर है और थोड़ा कुछ रिनोवेट हो गया है, उसके बाद में यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज हॉस्टल है उसके लिए अगर सरकार जो है थोड़ा सा और यहाँ का जो लोकल विधायक है अगर पैसा देता है फंडिंग करता है तो यहाँ का जो स्टूडेंट्स है वो हॉस्टल में आराम से बैठ सकता है, आराम से यहाँ से जो है अपना पढ़ाई कंटिन्यूशन कर सकता है, क्योंकि अब देखा गया है ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे जितने भी अरुणाचल में मैक्सिमम जितने भी जहाँ जहाँ जो हॉस्टल्स है वहाँ पे हॉस्टलर्स लोग जो है बैठने लग गया है, तो यहाँ का भी जो न्यू मिडिल स्कूल का जो हॉस्टल्स है उसका रिनोवेशन के लिए पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ का जो DDAC है उनको जो है संज्ञान लेते हुए फौरन ही उसको रिनोवेशन के लिए उनको जो फंडिंग करना चाहिए।